हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम बात करने वाले हैं डीएक्सी टेक्नोलॉजी में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के बारे में। इससे पहले भी मैंने 26 मिनट्स का कुछ वीडियोस बना चुका हूँ ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में, तो उसमें कमेंट्स बहुत सेक्शंस है, कमेंट सेक्शन में आए कि बहुत सारे लोगों को शायद समझ में नहीं आ रही कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए। तो इस वीडियो में हम मकसद यही है कि आज हम सिंपली तौर पे बता सकें कि सिर्फ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कौन से डॉक्यूमेंट जो एसेंशियल है, जो ज़्यादा ज़रूरी है डालना, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है 10th का मार्कशीट अब डालेंगे, उसके बाद 12th का मार्कशीट। अगर आपने पॉलीटेक्निक अगर करके रखा है तो पॉलीटेक्निक का फाइनल ईयर का मार्कशीट आप डालेंगे, जो कि यहाँ दिख रहे हो कि फाइनल ईयर का मार्कशीट आपको डालना है। अगर उसके बाद आपने बीटेक कंप्लीट कर लिया है, तो बीटेक कंप्लीट किया तो बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है कि बीटेक कंप्लीट होने के बाद कॉन्सुलेटेड मार्कशीट आता नहीं है। अगर वो अगर नहीं आ रहा है तो आप प्रोविजनल मार्क्स सर्टिफिकेट को डाल सकते हैं, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट के साथ साथ आप क्या करेंगे, जो जितने भी आपका सेमेस्टर वाइज मार्कशीट है वो अपलोड करेंगे। अगर ऐसा अगर नहीं है कि आपके पास अगर कॉन्सुलेटेड मार्कशीट अगर आ चुका है, तो कॉन्सुलेटेड मार्कशीट सिर्फ डालकर प्रोविजनल सर्टिफिकेट ये दोनों आपको डालना है। फिर तो इससे आपका काम चल जाएगा। उसके बाद अपना पैन कार्ड, जो एसेंशियल जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होता है गवर्नमेंट का, वो आप पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों आप डाल सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पर फंस जाते हैं कि बीटेक का कौन सा क्या डालना है, नहीं डालना है। तो आप जान लीजिए कि बीटेक का सिर्फ आप अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट डाल देते हैं, तो आपको फिर से एक बार मेल आ जाएगा कि आप कम से कम सेमेस्टर वाइज मार्कशीट को डालिए। तो अगर आपके पास अगर कॉन्सुलेटेड मार्कशीट है ना, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि सेमेस्टर वाइज आपको मार्कशीट अपलोड करने की, सिर्फ कॉन्सुलेटेड मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट ये दोनों डाल के आप जो है आपका काम हो जाएगा। अगर नहीं है कॉन्सुलेटेड मार्कशीट, तो फिर आपको सेमेस्टर वाइज मार्कशीट डालना है प्रोविजनल सर्टिफिकेट के साथ। तो ये था कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट। तो आई होप कि आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट डालना होगा। अब बात आते हैं कि वेरिफिकेशन कितना दिन तक चलता है। तो ये 7 to 10 days का वर्किंग डेज होता है, नॉट कि सैटरडे संडे। वर्किंग डेज का मतलब है कि मंडे टू फ्राइडे तक आपका ये वर्किंग रहता है। तो बहुत सारे लोगों को कुछ क्वेश्चंस होता है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में जो एजुकेशनल वेरिफिकेशन होता है वो डिजेबल हो जाता है, वो नॉर्मली जो है डीएक्सी की तरफ से ही होता है, तो उसमें घबराने वाली बात कोई नहीं होती है कि और इसमें टाइम भी लगता है, कभी कभी टाइम भी लगता है, तो कुछ कुछ स्कोर्स आपको दिखाएगा नहीं। तो फर्दर आप चेक करते रहिए और अपना मेल को भी चेक करते रहिए, क्योंकि जो भी आपका अगर अपडेट होगा वो मेल के थ्रू से ही आपको अपडेट मिलेगा कि आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। तो मेल को चेक करते रहिए, अपडेट रहिए। फिर उसके बाद जो है आपका जैसे ही बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो खुद ब खुद जो है डीएक्सी तरफ से मेल आ जाता है कि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, तो उसमें फीडबैक देने का फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आपको समझ में आया होगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट डालना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, और अगर किसी को समझ में नहीं आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको भी समझाइए, और फिर उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए थैंक यू वेरी मच।